सर, क्योंकि अरेंजमेंट्स को लेकर अगर हम बात करें, सारे डिस्पैच वगैरह कर दिए गए हैं, किस तरह के अरेंजमेंट किए गए हैं और अभी तक मॉनिटरिंग सेल को लेकर किस तरह के अरेंजमेंट? तो बेसिकली हम अभी सेक्टर 26 में खड़े हैं, सीसीटी कॉलेज में। हमारे जो सारी डिस्पैच हो रहा है वो इधर से ही हो रहा है, जो पोलिंग पार्टीज डिस्पैच है। तीन हमने जो चंडीगढ़ जो है 5 AROs में डिवाइड किया गया, तो 3 AROs का तो ऑलरेडी डिस्पैच हो चुका है। दो AROs का डिस्पैच चल रहा है, आई थिंक वो भी आधे घंटे में मुकम्मल हो चुका है, हो जाएगा। और हमारी जो टीम्स है आज ही पोलिंग स्टेशन पे पहुंच जाएंगी। पोलिंग स्टेशन में पोलिंग पार्टीज के लिए भी सारे अरेंजमेंट्स किए गए हैं, जैसे पीने का पानी हो गया उनका, उनके रहने के लिए जो भी मैट्रेस वगैरह, पंखे, कूलर, सारा अरेंजमेंट कर दिया गया है। कल की भी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, जो पोलिंग जो हमारी पोलिंग पे के लिए जो लोगों ने वोट करने आना है उनके लिए भी जो शेड का इंतजाम, पीने वाले पानी का इंतजाम, व्हील चेयर्स का इंतजाम, तो पुख्ता मुकम्मल जो है वो सारे पूरे किया जा चुके हैं। सर, क्योंकि सेंसिटिव जो बूथ्स हैं, वल्नरेबल जो बूथ्स हैं, उनके लिए किस तरह की प्रशासन की तैयारी है, पुलिस के साथ किस तरह से? तो जो वल्नरेबल बूथ्स हैं उसके लिए स्पेशल जो पुलिस जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो तो लगाई गई है, प्लस हमने चंडीगढ़ में सारे बूथ की वेबकास्टिंग हो रही है। तो जो ये 614 बूथ है, 614 बूथ में कैमराज ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं, उसकी वेबकास्टिंग है, वो हमारे सेक्टर 18 में उसका वेबकास्टिंग का कंट्रोल रूम बनाया गया है। वहां पे जो प्रॉपर हर एक बूथ को देखने के लिए वो टीम तैनात कर दी गई है, तो जो भी वहां पे प्रक्रिया होगी कल बूथ पे, वो सारी यहां पे हमारे कंट्रोल रूम से उसको देखा जा सकेगा। सर, एक्टर 18 में एक पूरा मॉनिटरिंग सेल बनाया, उसका क्या पर्पज रखा गया है, किस तरह से वो किया गया? उसका पर्पज यही है कि ताकि चुनाव के दौरान जो भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं उनको एक तो हमें रियल टाइम बेसिस पे पता चल सके और उसका जो है समाधान भी रियल टाइम बेसिस पे हो सके, ताकि जो है इलेक्शन जो है स्मूथ हो सके, पोलिंग फास्ट हो सके और मैक्सिमम जो है पोलिंग हो सके। ऐप की आपने बात की थी, पहले भी बात हुई थी, ऐप को लेकर सुबह कितने बजे से जो है वो आपका चंडीगढ़ सीबीसी जो ऐप है वो शुरू हो जाएगा? देखिए, पोलिंग का टाइम सुबह 7 बजे है, तो ऐप जो है 7 बजे से ही अपडेट होना शुरू हो जाएगी। वो ऐप जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं उसको टाइम टू टाइम अपडेट करेंगे। हम ऐप की एडवर्टाइजमेंट दे चुके हैं पहले भी अखबार में, कल हम दोबारा देंगे ताकि लोगों को वोटिंग के दौरान कोई परेशानी ना हो सके। सीनियर सिटीजन, हैंडीकैप, डिजेबल पर्सन के लिए कुछ खास अरेंजमेंट? सीनियर सिटीजन्स के लिए, डिसेबल्ड के लिए व्हीलचेयर का इंतजाम किया गया है, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी का अरेंजमेंट किया गया है। हमने हमारे 614 बूथ्स पे 1200 NSS वॉलंटियर्स लगाए गए हैं, जो कि ये जो हमारे ओल्ड वोटर्स हैं या हमारे PWD वोटर्स हैं उनका ख्याल रखेंगे बूथ पे। ठीक है, तो बिल्कुल जैसे सर ने बताया, और पूरा जो EVMs की पूरी डिस्पैच हो रही है, तस्वीरें आप देख सकते हैं कि पूरा डिस्पैच किया जा रहा है अलग अलग पोलिंग बूथ पर जो बैच किया जा रहा है। और जैसे सर ने बताया कि जितने भी जो सीनियर सिटीजन हैं और जितने भी जो डिजेबल पर्सन हैं उनके लिए भी खास तौर पर पूरा अरेंजमेंट किया है और पुलिस की पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए नाकेबंदी की है। ये हालांकि CCET में अभी हम मौजूद हैं, जहां पर स्ट्रांग रूम भी बनाया गया है और 4 तारीख को यहीं से सेक्टर 26 से ही पूरा रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर किया जाएगा। इसके साथ साथ पूरा पुलिस सिक्योरिटी भी दी गई है। प्रशासनिक अधिकारी जो ज्वाइंट CEO हमारे साथ जुड़े थे, सौरभ कुमार, उन्होंने जो जानकारी दी है कि किस तरह के एक पूरा 18 सेक्टर में एक पूरा मॉनिटरिंग सेल बनाया है जो कि पूरे 614 बूथ की पूरी मॉनिटरिंग करेगा।